नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा जायसवाल और मेरे चैनल नेहा स्टेप्स एंड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। दादी नानी की बताई हुई बहुत ही कमाल के नुस्खे। नंबर एक, अपने दिन के काम के बाद विश्राम करने का समय निकालें। नंबर दो, फ्रिज में रखे हुए ठंडे पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। यह न केवल गले के लिए हानिकारक होता है बल्कि आपकी सेहत को भी कई गुना नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर तीन, कभी कभी बादाम या अखरोट को भिगोकर सेवन करें। इससे जोड़ों की ग्रीस अर्थात ताकत बनी रहती है और अखरोट सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है। नंबर चार, घर में फ्रिज में कम से कम सामान रखने का प्रयास करें। आटे को फ्रिज में कभी न रखें। नंबर पाँच, चाय कॉफी की जगह गुनगुना पानी पीना, छाछ जूस और सूप का सेवन लाभकारी होता है। नंबर छह, सुबह खाली पेट कभी भी चाय कॉफी या चटपटा आहार का सेवन ना करें। नंबर सात, अपने बच्चों को ताजा फल और साबुत अनाज और दूध से बनी चीजें खिलाएं ताकि वे स्वस्थ और ताकतवर बने। नंबर आठ, शाम के 6 बजे के बाद ज्यादा हैवी डाइट ना लें। नंबर नौ, रात के समय दही का सेवन करने से बचना चाहिए। यह म्यूकस के डेवलप होने की संभावना को बढ़ा देता है। नंबर 10, खाना खाने के बाद सौंफ या फिर थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। इससे पाचन क्रिया भी अच्छी होती है। नंबर 11, आप रोजाना 1 या 2 इलायची खाएं। इससे आपका पेट कम होने लगेगा। नंबर 12, अस्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करने से दांतों को बहुत फायदा होता है। नंबर 13, छोटी इलायची और सौंफ को पीसकर दूध में उबालकर पीने से आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 14, दालचीनी का उपयोग करने से आप हमेशा निरोगी रहेंगे। नंबर 15, लंबे समय तक लगातार झुककर बैठने से या टीवी देखते रहने से रीढ़ और गर्दन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 16, एक ही सांस में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। इससे सीने में दर्द पैदा हो सकता है। नंबर 17, रोजाना 1 टमाटर खाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं। नंबर 18, कब्ज की दिक्कत हो तो सुबह खाली पेट पानी पीकर कुछ देर एड़ियों के बल चलना चाहिए। नंबर 19, अगर आपको थकावट महसूस हो रही हो तो थोड़ा सा गुड़ खा ले, यह आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। नंबर 20, अगर आपको पेट की कोई दिक्कत हो तो मूंग या मसूर की दाल का ज्यादा सेवन करें। नंबर 21, किडनी की बीमारी में खड़े होकर ग्लास का पानी ना पिएं। नंबर 22, रोजाना 1 कली लहसुन के खाने से पेट दर्द और गैस की दिक्कत नहीं होती है और वजन भी कम हो जाता है। नंबर 23, अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबालकर खाएं। नंबर 24, भोजन के बाद ब्रजासन में बैठने से वात नियंत्रित होता है। नंबर 25, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए राजमा, केला, पनीर, दूध आदि का सेवन करें। नंबर 26, छिलके वाली दाल सब्जियों से कोलेस्ट्रॉल हमेशा कंट्रोल में रहता है। नंबर 27, रात को अंधेरे में सोने से डिप्रेशन का खतरा कम रहता है। नंबर 28, आंखों की रोशनी तेज करने के लिए रोजाना कच्ची गाजर और कच्चा आंवला खाएं या गाजर और आंवले का जूस पिएं। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। नंबर 29, सुबह नाश्ते में कुछ खाने के बाद ही आपको चाय पीनी चाहिए, नहीं तो यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित होता है। नंबर 30, रोज सुबह आपको सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। यह शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालता है और पेट को साफ करने के लिए बहुत जरूरी होता है। नंबर 31, सुबह भीगे हुए चने खाने से याददाश्त तेज होती है, साथ ही आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करते हैं। नंबर 32, पैरों के तलवे में सरसों के तेल से मालिश करने से आंखों को गजब का फायदा मिलता है। नंबर 33, रात का भोजन जल्दी खा लेने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 34, ज्यादा पानी चाय पीने की आदत हड्डियों को कमजोर बना देती है, इसलिए चाय का सेवन कम करें। इसकी जगह आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है।
नंबर 35। सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वजन कम होता है, नंबर 36। अगर आप पूरे दिन में 2 चम्मच पीनट बटर खा लेते हैं तो यह आपके पूरे दिन की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने में मदद करता है, नंबर 37। तांबे के बर्तन में 8 से 10 घंटे रखा हुआ पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, साथ ही वजन कम करने में भी मदद मिलती है, नंबर 38। भैंस का कच्चा दूध पीने से कमर दर्द में आराम मिलता है, नंबर 39। गैस की दिक्कत होने पर भोजन में अजवाइन डालना शुरू कर दे, नंबर 40। बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए तेल में कड़ी पत्ता और थोड़ी सी राई डालकर पकाएं और इस तेल से बालों की मालिश करें, इससे बालों का झड़ना रुक जाता है और बालों की लंबाई जल्दी से बढ़ने लगती है, नंबर 41। कच्ची मूली का सेवन करने से दिमाग तेज होता है, नंबर 42। आप जब भी कोई मिठाई खाएं तो कुल्ला अवश्य करें, नंबर 43। भोजन करते समय संयम रखें, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े लें और पूरी तरह से चबाकर खाएं, इससे आपका भोजन आसानी से पच जाता है और खाना खाने के बाद पेट भारी भी नहीं लगता है, नंबर 44। खाना अधिक नहीं खाएं, आहार में दही, ग्रीन टी, हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा लें, खाना हमेशा कम खाएं लेकिन पौष्टिक आहार होना चाहिए, नंबर 45। सुबह का नाश्ता ही आपके स्वास्थ्य की पहचान है, इसलिए नाश्ता कभी ना छोड़ें, अच्छा प्रोटीन युक्त नाश्ता करें, हमेशा नाश्ता थोड़ा हैवी होना चाहिए जिससे आपको बार बार कुछ खाने की आवश्यकता ना पड़े, नंबर 46। अपने दिनचर्या में पानी की मात्रा बढ़ाएं, दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं और अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, नंबर 47। प्रतिदिन एक्सरसाइज या फिर योग का अभ्यास करें, यह आपको कई गंभीर बीमारियों के खतरे से बचाए रखेगी, नंबर 48। रात में सोते समय अपने आसपास मोबाइल फोन ना रखें, इसमें कनेक्ट होने वाली रेडियो एक्टिव किरणें आपके दिमाग को सोते समय नुकसान पहुंचा सकती है, नंबर 49। खाना खाने के दौरान कभी भी पानी ना पिए, इससे पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, खाना खाने के हमेशा आधे घंटे बाद ही पानी पिए, नंबर 50। दांतों की अच्छी देखभाल के लिए रात को सोने से पहले दांत साफ करें और उसके बाद 1 गिलास पानी पीकर सो जाए, नंबर 51। कब्ज से पीड़ित लोगों को शाम के समय पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए, इसके अलावा फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करके भी कब्ज से राहत पाई जा सकती है, नंबर 52। अगर किचन में काम करते समय हाथ जल जाए तो नारियल का तेल लगाने से आराम मिलता है, नंबर 53। अगर आपको पेशाब रुक रुक कर आता है तो आप रोजाना नारियल पानी का सेवन करें, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा, नंबर 54। रात को सोने से पहले पैरों के तलवे पर तेल मलना लाभप्रद होता है, नंबर 55। अगर आपको जुकाम की दिक्कत हो तो रात को सोने से पहले अपनी नाक में गाय के घी का 1 से 2 बूंद डालें, इससे जुकाम दूर होता है और आंखें और दिमाग मजबूत होती हैं, नंबर 56। जिन लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत है तो वह थोड़ा सा गुड़ का सेवन करें, इससे खाना भी हजम हो जाता है और शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचता है, नंबर 57। यदि स्वस्थ रहना है तो शराब, धूम्रपान और बुरे व्यसनों से दूर रहना चाहिए, नंबर 58। सोने से पहले अपने हाथों पैरों को धोकर पोछ लें और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए सो जाएं, नंबर 59। पानी सदा बैठकर और धीरे धीरे पिए, एकदम से ना गटके, नंबर 60। भोजन के तुरंत बाद सोना बीमारियों को न्योता देता है, नंबर 61। प्रतिदिन मुंह में पानी भरकर जल से अपनी आंखों को धोएं, नंबर 62। आप रोजाना 1 आंवले का सेवन जरूर करें, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं।
ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।